क्लास फिफ्थ बुक हिंदी रिमझिम चैप्टर फर्स्ट राख की रस्सी। मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज ऐश क्रॉप। ऐश क्रॉप यह कहानी तिब्बत की है। तिब्बत लोनोपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनोगवेसर गापी के मंत्री थे। 32वें मतलब 32 मंत्री मीन्स जो राजा को सजेशन देता है। वे अपनी चालाकी और हाजिर गुआबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वे अपनी क्लेवरनेस और मतलब जो क्वेश्चन आंसर करते हैं उनके लिए वो बहुत फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था, उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, शांति से उनका जीवन बीत रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जब उनका एक बेटा था वो जब बड़ा हुआ था उनके लिए बहुत चिंता का विषय था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसको छू कारण यह था कि वह ना बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। वो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था, वो भोला भोला था। लोनोपोगार ने सोचा, उसने कुछ सोचा माइंड में, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है मीन्स भोला भाला है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, मीन्स जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे उनका काम कैसे चलेगा, वो पैसे कैसे कमाएगा, घर कैसे चलाएगा। एक दिन लोनोपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। लोनोपोगार जी ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। 100 भेड़े शीप। देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। शहर मीन्स सिटी, इनको लेके सिटी जाओ या सिटी। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इनको ना नहीं मारना है ना ही बेचना है, इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। इन भेड़ों को वापस लाना है 100 जौ के बोरों। 100 मीन्स आपको भी बताया था 100, जो मीन्स बर्ले, बर्ले मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया। वरना मैं तुम्हें घर में ही नहीं घुसने दूंगा। अगर उन्होंने वो शीप्स वापस नहीं लाए तो मंत्री जी उन्हें ना घर, अपने बेटे को घर में ही नहीं घुसने देंगे। उसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर यह बोलने के बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, मतलब सिटी की तरफ। लोनोपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। ये जो लोनोपोगार का बेटा था ना, जब वो सिटी पहुंच, वो शहर पहुंच गया। मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं थे। जब उसको ना ये जो बल्ले के जो के बोरे खरीदने थे उसके पास पैसे ही नहीं थे, रुपए मीन्स मनी। तो वो क्या करता, वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। वो ये जो ये समस्या थी उसको हल निकालने के लिए वह सड़क के किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं है, मतलब कोई आइडिया, हल मीन्स आइडिया उसके माइंड में नहीं आया। वह बहुत दुखी था।
वह बहुत परेशान था, दुखी मीन्स परेशान, परेशान। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, उसी टाइम एक गर्ल, लड़की मीन्स गर्ल, उसके सामने आ गई। मैं लाइक कर देती हूँ। उसके सामने आ खड़ी हुई, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दुखी मीन्स परेशान। मैं राइट कर देती हूँ। इसमें इतना दुखी होने की कोई लोनोपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, मतलब जो रीज़न था वो क्यों दुखी था उसने सुना दिया। हाल मीन्स रीज़न। रीज़न इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मतलब इस रीज़न में कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल मीन्स आइडिया। मैं इसका आइडिया बताती हूँ, निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उनको बाजार में बेच दिया। फिर इतनी देर में जो शीप के हेयर होते हैं ना, उन वो उतारे और उनको बेच दिया, जिनसे कि उनके बालों से वुल बनाई जाती है, वुल। और बाजार मीन्स मार्केट। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। फिर जो पैसे उसने लिए, मतलब जो बोरे बेचे थे उनसे जो पैसे मिले, उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर, मतलब जो मीन्स बाले, कर उसे दे दिए और घर वापस भेज दिया। घर मीन्स हाउस होम। हाउस एंड होम। लोनोपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो गए। ये जो लोनोपोगार मंत्री जी का बेटा था ना, उसको लगा कि उसके पिता, पिता मीन्स फादर, फादर बहुत खुश होंगे। खुश मीन्स हैप्पी। हैप्पी मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती मीन्स जो उस पे बीती थी, नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। वो उठ के कमरे से बाहर चले गए। कमरे मतलब रूम, वो रूम से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। फिर जब वो दूसरे दिन वो मंत्री जी बोले, जो तूने भेड़ों के बाल बेच दिए, बाल मीन्स हेयर, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हेयर मीन बेचना मीन सेल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम
नहीं आया, नहीं मीन्स अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, अब तुम वापस जाओ दोबारा, मतलब वापस जाओ भेड़ों को लेकर, और जो भेड़ों लेके गए थे उनको वापस, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना, जो मीन्स बारी, मैंने अभी बताया था आपको, कोई नहीं मैं फिर से लिख देती हूँ, बारी। सो मीन्स हंड्रेड, तुम दोबारा एक बार फिर निराश लोनोपोकार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा, फिर निराश होकर मतलब सैड होकर, निराश सैड, वो उसी जगह बैठ गया जहाँ वो पहली बार गया था, वहाँ बैठ गया था, उस शहर में सिटी। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, यकीन मीन्स भरोसा। उसकी मदद करने मीन्स, मदद मीन्स हेल्प। उसी जगह बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही हुआ, वह लड़की आई, वही गर्ल जो पहले आई थी, लड़की मीन्स गर्ल, गर्ल वापस आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, जो अब वो मुश्किल में था वो फिर से मुश्किल में था, उसने वो अब की बार भी सुना दी। अब तो बिना जो के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, और वो बोला बिना बारले के, बारले बाले के 100 बोरे, बोरे मीन्स जूट बैग्स, जूट बैग्स, जूट बैग्स। घर में ही नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, लड़की ने कुछ सोचा और बोली, एक तरीका है, तरीका मीन्स कोई आइडिया होगा उसको। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, भेड़ों के सींग काट लिए, जिससे कि मतलब कुछ औजार बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे डेकोरेशंस मटेरियल, डेकोरेशन, डेकोरेशन, मटेरियल, मटेरियल, यहाँ पे एन है। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे, जो फिर उनको बेचा, सेल किया, उनसे फिर जो लड़की को पैसे मिले उनसे 100 जो के बोरे मीन्स, सो मीन्स 100, 100 बार्ले बैग्स। और बोरे जूट बैग्स, जूट बैग्स।
गोरे लोनोपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। सौंपकर मीन्स देकर, दे कर। घर भेज दिया, घर मीन्स हाउस। बोथ आर मीनिंग ऑफ घर। भेड़े और जो के बोले पिता के हवाले करते हुए लोनोपोगार का बेटा खुश हो गया। ये जो बार्ली बैग थे ना 100, वो ना उसने अपने पिता को, पिता मीन्स फादर, वेट मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, फादर को दे दिए। दे दिए मीन्स सौंप दिए, और वो हैप्पी हो गया, मीन्स खुश हो गया। उसने विजय भाव से सारी कहानी क्या सुनाई, उसने विजय मतलब जीत के भाव से ये जो कहानी उसके साथ घटना घटी थी वो सारी सुना दी। सुनकर लोनोपोगार बोले, मतलब ये कहानी सुनकर मंत्री जी बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। फिर मंत्री जी ने बोला कि उसी लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी, मतलब मेरा हैंड इतना है, और मेरे 9 हाथ मिला के वो लस्सी दो, रस्सी दो, मेरा मतलब रस्सी मीन्स रो। और ऐसी वैसे रखी नहीं रस्सी, नहीं राख की रस्सी, राख मीन्स ऐश, ऐश, ऐश रो। एक मिनट, ऐश, ओ सॉरी, ऐश रो। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जब वो उसी लड़की के पास जाकर, लड़की मीन्स गर्ल, उसी गर्ल के पास जाके जो उसके पिता का फादर का, संदेश था, संदेश मीन्स मैसेज, MESS मैसेज था, वो दोहरा दिया, मतलब वही वापस बोलते। लड़की ने एक शर्त रखी, शर्त मीन्स अपना काम करवाने के लिए शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मतलब मैं रोप बना दूंगी, रस्सी मीन्स रोप। मगर तुम्हें, तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। पर वो जो लड़की ने बोला कि वो तुम्हारे पिता को, पिता मीन्स फादर को गले में पहननी होगी, गले में मीन्स, गला मीन्स नेक, ये गला। लोनोपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनोपोगार ने सोचा ये जो ऐसी ऐश की रस्सी, ऐश रोप बनाना इम्पॉसिबल है। इम, इम, पॉसिबल है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली, शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, मतलब 9 हाथ लंबी मतलब 9 हैंड्स, 9 मीन्स 9
हाथ हैं। उसे पत्थर के सील पर रखा। सील मींस पहले के टाइम पे उसमें ना मसाले कूटे जाते थे। सील मींस बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा। इट लाइक दिस ली रस्सी को उस सील पर रख दिया। और जला दिया। जला दिया मींस बर्न कर दिया। बर्न मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी के रोप के रोप के आकार की शेप, आकार मींस शेप की राख बच गई। राख ऐश। उसे वह सील समेत लोनोपकार के पास ले गई। उसी सील को उठाकर वह लोनोपकार जी के पास ले गई। उसे पहनने के लिए कहा और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपकार रस्सी देखकर चकित हो गए। वो चकित हो गए मतलब सोचने लगे। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में तो पहनना दूर, मतलब उसको गले में तो पहनना दूर, उसको उठाना भी मुश्किल था। उसको वो रस्सी उठाते ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी। हाथ लगाते ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ये जो लड़की ने समझदारी दिखाई, होशियारी दिखाई, उनकी चालाकी कोई काम नहीं आई। चालाकी मीन्स क्लेवरनेस। बिना वक्त गए, बिना टाइम वेस्ट करे लोनोपकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। बिना टाइम वेस्ट किए मंत्री जी ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। धूमधाम से उन दोनों की शादी मीन्स मैरिज।